मैं हाँ बलजीत सिंह काजली तुम देख रहे यूपीआई न्यूज़। अज अं पहुंचे तीन रत्न मिशन आत्मज्ञान केंद्र जिथे के स्वामी राजपाल जी विदेश यात्रा पर गए सन। सो उन्होंने वापस परतन से साड़ी यूपीआई न्यूज़ की पूरी टीम समेत डायरेक्टर डाटा एस बाबा जी नाल उन्होंने गवाही हेठ से पहुंचे उन्होंने सम्मानित करने वास्ते। सो अ स्वामी जी गलबात करा कि विदेश यात्रा उन्होंने किस तरह रही। वो साढ़े नाल साड़ी टीम आए ने ड्यूटी ब्यूरो चीफ पंजाब डॉक्टर सैम और डॉक्टर मोहित और सह कुलवंत सिंह वडाला जी उन्होंने नाल ने महिंद्रपाल जी तो नाल साडे अमृतपाल जी वो भी इतने पहुंचे ने। असं हुण उन्हां दा स्वामी दा स्वागत करांगे और उन्हां तों पुछांगे उन्हां दी विदेश यात्रा किस तरह रही। सो साडे नाल मौजूद ने स्वामी राजपाल जी जो कि विदेश यात्रा तो वापस परते ने। उन्होंने स्वागत करने वास्ते साडे यूपीआई की पूरी टीम उन्होंने ग्रह विखे पहुंची। आप स्वामी जी ने गलबात करते हैं कि उन्हें विदेश यात्रा किस तरह रही। स्वामी स्वागत है ताडा साडे यूपीआई न्यूज़ चैनल दे विच। धन्यवाद जी। सब तो पहला यूनिवर्सल प्रेस ऑफ इंडिया टीम जिसके मुखी डॉक्टर एच एस बाबा जी हैं इत्थे स्वागत लई पहुंचे आ। सब तो पहला सारी टीम का स्वागत है जी आया। तो कनेडा तो मैं 31 अक्तूबर शाम को पहुँचा सी। कनेडा का जो कुछ मैं वेख्या कुछ बहुत चंगा लगा वधिया लगा तो कुछ नहीं भी चंगा लगा। तो कनेडा का एक तो सब तो मशहूर जो एक चिन्ह वा नैशनल जिहड़ा उन्होंने फ्लैग ते लगा हुआ एक पत्ता बहुत मशहूर है तो वो देखा जो मैं हूँ तो पतझड़ आई सी दरख्त एक ही आनू पत्ते जोड़े लगे ना पांच छे रंग के पत्ते कोई गुलाबी जहा कोई लाल कोई पीला कोई हरा कुछ ब्राउन इदा पांच छे रंग के पत्ते मैं देखे तो ये भी एक वधिया जिहा लगा भी है ना। तो ये पत्ता जो कनेडा का नैशनल फ्लैग पर लगा आ तो दरख्त का ना है मैपल मैपल वो मैपल लीफ आ ते वो सारा कंट्री जिहड़ा वा वो पत्ते नूं एक मान सन्मान दिंदा है। तो सारे ने अपने लोगों ने गड्डियां ते भी लाए आ एकता का एक प्रतीक है। दूजा मैं ये चंगा लगा भी मैं सगा विकटोरिया शहर के बच्चे विकटोरिया एक टापू आ टापू समुंदर आले दुआले काफ़ी घिरिया एक समुद्री जहाज़ के राही गए थे जिन्हों बोलते फैरी 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 का मतलब बहुत व्डा जहाज़ भी नहीं बहुत व्डा भी नहीं तो छोटी किश्ती भी नहीं तो वो फैरी बच्च 150-200 कार ट्रक बस भी आ जाती तो वो सफ़र इदा करते हैं। तो एक तो फेरी बच्चे घूमन का मौका मिले समुंदर के कंडे ते बैठन का मौका मिले जंगल उत्थे जंगल पहाड़ कुदरती वातावरण बहुत वधिया लगा। तो जो मैं सवेरे सवेरे सैरों निकलता सी
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਹ ਤਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬੜੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੜੀ, ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਬੜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਈ ਵਾਰ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਵਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਗੋਰੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਬਈ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 7 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਫਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਆ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ 10-12 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 5-7 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਗਦੀਪ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, 3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
मैं गल कर रहा थोड़ी जी पहले मैं गल पूरी कर लूँगा। हाँ वो गल करते करते मैं क्या भी असल मैं गल करनी सी कि बंदा बीमार है बीमारी दे इलाज लिए पूर्ण इलाज लिए ध्यान सिमरन बाणी सिमरन कहती है तो होम्योपैथी यदा पूर्ण इलाज है तो बजुर्ग कहता भी मैनू ठीक कर मैनू शुगर आ दूजा कहता मैनू ठीक करो मैं मैनू बीपी आ तीजा कह होर इदा भी लगभग वो जिन्हें बंदे बैठे से उन्होंने छे एक बंदे मैं कहते भी मैं फलानी बीमारी है मैं ढिंगड़ी बीमारी आ मैं ढिंको है तो मैं कुल मिला के देखा भी उत्थे लोगों नू उत्थे दे माहौल के मुताबिक ढालना चाहिए है जिथे उत्थे आब हवा कुदरती वातावरण तो उत्थे लोग खुश होने चाहिए तो उत्थे दे अंग्रेज लोग खुश आ पंजाब तो जाने वाले लोग जिहड़े आ वो पता नहीं क्यों नहीं खुश तो उहदे पिछे मैं ये देखा भी जिवें सीनियर पत्रकार बलजीत गाजरी जी ने पूछा भी उत्थे दे महंगाई महंगाई मैनू ज़्यादा लगी ज़्यादा महंगी चीज़ा महंगी लगिया तो उत्थे हिसाब नाल ठीक होगा तो मैनू लोड़ सी एक मोबाइल स्टैंड की छोटा जिहा स्टैंड मोबाइल स्टैंड तो मैं पर उन्होंने कहा भी मोबाइल स्टैंड एक चाहिए तो मोबाइल स्टैंड लैके आया वह $20 का अच्छा जी तो $20 के हिसाब ना तो बाटा ना गुणा कर लो भी साढ़े 1200 है ना 1250 का मैं क्या भी तो इतने अपने उत्थे पंजाब 100-150 का यार तू मोड़िया रहन दे नहीं चाहिए तो कहते भी इतने की कमाई के हिसाब ना ठीक वा उत्थे की कमाई के हिसाब ना ठीक होगा पर मैं तो पैसे इंडियन खर्चने तो सर के मैं क्या भी मैं नहीं रहना तो महंगाई हैगी खास तौर पर जिते विक्टोरिया मैं गया सी क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस आ जी वो बाकी शहर नालों कुछ महंगा महंगा है तो हाँ बाकी खाण पीन जरा खाण पीन पैकेट भोजन है ना डब्बा बंद तो डब्बा बंद भोजन पैकेट भोजन मेरे पसंद नहीं हों तो वह मैं घट खाँदा सी तो घर ही खाना फिर बना के खाते रहे तो इतने भावें उत्थे दा भोजन जिहड़ा उस पंजाब दे नालों दवाइयां दवाइयां जिहड़ियां स्प्रे घट होणगियां पर पैकेट भोजन जी है ना वो नहीं मैनू कुछ ठीक लगा जैसा तुम तो विदेश यात्रा करके आए हैं उत्थे लोगों के जाने का क्रेज़ बहुत आ चलो बच्चे ने तो पढ़ाई करने वास्ते जाना ही है वो बारे तो दस सकते बच्चे उत्थे पढ़ाई करते देखे होने तो बाकी जो बजुर्ग जाना चाहते हैं या होर भी गए कई उन्होंने बारे तो की करना चाहते थे उन्होंने की संदेश देना चाहते उत्थे जिहड़े ते बच्चे पहला गए होणगे अज तो 15-20-25-30 साल पहले वो तो उदू उन्होंने समय से उन्होंने सैलरी भी चंगी मिलती सी तो शायद उदो महंगाई भी घट होएगी है ना तो हुण बच्चे ज़्यादा जान ना बच्चों नू कमरे भी नहीं मिलते कमरे महंगे आ तो मेरी बेटी जे रूम च रहिंदे आ ना तो उन्होंने किराया $2000 महीने का तो $2.5 125,000 इंडियन किराया देखो तो जिहड़े नवें बच्चा इत्थों गया तो एक तो उन्हें रूम लैण लई सब तो पहला वो मालक दिखते आ भी एको किराया देण लई इहदा कोई हैगा साधन साधन हैगा जे साधन हैगा आ तो वो कोई रूम मिलना तो नहीं मिलना तो वो भी बड़ा बहुत मुश्किल आती है रूम मिलया तो महंगा मिलना तो साधन वो ता नहीं देंगे एक साधन पता क्यों देखते इसे देखते भी जे उन्होंने रूम दे दिता तो अगले बच्चे को कारोबार नहीं मिलया तो उत्थे दा कानून आ भी उन्होंने एकदम नहीं जवाब दे सकते भी जो निकल जा इदा इदा नहीं है भी जे एग्रीमेंट 6 महीने होया तो 6 महीना रहूगा वो किराया भावें बाद देगा पर एकदम वो किराया कर नहीं सकते इस करके ना रूम लैन के बड़ा दिक्कत आती है हाँ जो टूरिस्ट जाते उन्होंने मिल जाता वा मेरे तो चलो मैं तो अपने परिवार से गया सीगा उन्होंने फिर टू उस आधार मिल जाता कुछ महीने 15 दिन जिन्हें दिन जाना क्योंकि टूरिस्ट ने एको थानी रहना होंगे
तो उन्होंने कुछ दिन फिर वो बड़े आराम ना मिल जाता। और जेडे बच्चे नवा जाना चाहते अज उन्होंने कारोबार भी मिलने बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत उन्होंने उदा सैलरी घट मिलनी है तो कारोबार भी घट मिलते औखे मिलते आ तो दूर दूर तक जाना पैंदा तो काम करने उत्थे कार जरूरी आ कार सर के क्योंकि वह पहाड़ी एरिया वा समुद्र इलाका तो पता नहीं कदों मौसम खराब होना तो ठंड ठंड करके बारिश करके कार भी जरूरी आ तो इस करके दिक्कत तो वह गुरद्वारे जोड़े से वो मैं चंगी गल बहुत वेखी भी गुरद्वार लंगर की व्यवस्था बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। तो एक गुरुद्वारे मैं देखा भी उत्थे बच्चे जो स्टूडेंट अपने गए ना इतों पंजाब तो वो लाइन लगी हुई तो उन्होंने वो थैलियाँ राशन दिया दे रहा तो मैं ही जाके देखा भी ये की कर रहे हो वो कहते भी जेडे बच्चे नवे आए आ पढ़ ले इतने स्टडी कर ले उन्होंने कारोबार नहीं मिले तो उन्होंने असी जिन्ना चेर कारोबार नहीं मिलता फ्री राशन दें तो उन्होंने राशन जरा वा फ्री देंगे। सो वे सन स्वामी राजपाल जी जिन्हें कैनेडा तो वापस आन के उत्थे बारे सानू सारा विस्तारपूर्वक दस्या सो असीं इन्हां दे बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने इत्थे आन के सानू उत्थे दे बारे किस तरह उत्थे रहन सहन आ किस तरह का वातावरण उहदे बारे सानू बड़े विस्तारपूर्वक जानकारी दित्ती। सो मैं बलजीत सिंह काजली मेरे नाल कैमरामैन डॉक्टर मोहित जी।